Run. दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलाने वाले हैं जो अपने आप में ही खास है। वो इसलिए क्योंकि ये जानवर शांत बैठने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। तो यार हर बार की तरह ही आज की ये वीडियो भी काफी फनी और एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। ये है एनिमल मोमेंट 57। आप में से कईयों ने बचपन में रिंगा रिंगा रोजेस तो जरूर खेला होगा, जिसमें हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते हैं। लेकिन क्या आपने किसी जानवर को ऐसा करते देखा है? नहीं ना। तो ये देखिए जनाब, यहाँ ये दो पक्षी रिंगा रिंगा रोजेस खेलने में बिजी है। जिसके बाद इनमें से एक बर्ड को गोल गोल घूमना जरा ज्यादा ही भारी पड़ गया, क्योंकि भाई आखिर में चक्कर खाकर वहीं लुढ़क गया। गर 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 अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अरे वो लड़की चले गई। आजकल ऐसे कई किस्से देखे जा रहे हैं जिसमें जंगली जानवर डायरेक्ट हमारे घर में घुस जाते हैं, फिर चाहे वो कोई बियर हो या फिर कोई मॉनिटर लिजार्ड। यहाँ इस घर में सभी लोग आराम से सो रहे थे कि तभी बाहर से एक बड़ा मॉनिटर लिजार्ड घर के अंदर घुसता है, जो चुपचाप अंदर जा नहीं वाला था कि तभी यहाँ बैठी इस लड़की ने उसे देख लिया और डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जिसके बाद घर के आदमी ने ही उस मॉनिटर लिजार्ड को घर से बाहर निकाल दिया, जो बिना टिकट डायरेक्ट घर में घुस गया। अरे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? काय चला रे? ये माल मिल गया। जावास काय की? लगता है किसी दूसरे का कोली में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी सॉरी, हाँ सोता रे। चल फिसर लो। वैसे घर में करने क्या आया था पता नहीं। वैसे प्रैंक की बात हो ही रही है तो चलिए एक असली प्रैंक को देख लिया जाए, जिसमें हमारे ये बंदर भैया शामिल होते हैं। यहाँ किसी ने एक फल को नकली सांप से बांध कर रखा था, जिसके बाद वहां पर एक बंदर आया और जैसे ही उसने इस फल को खाने की कोशिश करी, तब भाई साहब को देखकर परी बन गया, मेरा मतलब है हवा में उड़ गया। जो कह रहा होगा ये किसका फल सूंघ लिया भाई मैंने? ए देवा, बहुत भूख लगा है, आजा आजा। वैसे देखा जाए तो टर्टल बड़े ही शांत और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, पर जब ये अपने गैंग के साथ कहीं दिख जाए तो कुछ ना कुछ कांड इनके साथ भी हो ही जाता है। और वो असल में होता क्या है ये हम आपको इस क्लिप में दिखाते हैं, जिसमें ये सारे टर्टल झील में फंसी इस लकड़ी पर बैलेंस करते हुए बैठे हैं। ये लकड़ी पानी में इतनी जोर से घूम रही थी, फिर भी इनके वहां से उतरना नहीं बल्कि उस पर ही बैलेंस करके अपने आप को खतरों के खिलाड़ी साबित करना है। वैसे आखिर तक ये सारे उस पर नहीं टिक पाए, बल्कि इन सभी में से सिर्फ तीन खिलाड़ी इस पड़ाव में पार हुए, जिनके लिए एक लाइक ठोक दीजिए। ओ मिस्टर रोली पोली, खेलने के लिए होली, बिना घाघरा चोली चाले नापी तोली, और उड़ गई उनकी डोली और ये मारी पानी को गोली। अबे पकड़ के रखना, आप अभी फिसलना मत बाबू भैया। अरे छोड़ना नहीं मेरे को बाबा। अब यहाँ इस शख्स के और पिग्गी भाई के बीच कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले ज्यादा खाना खाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी बेचारा पिग्गी भाई खाते खाते चेयर से नीचे लुढ़क गया, जिसे शायद खाना जरा ज्यादा ही हो गया। कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी वीजी बना, घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि कुत्ते बड़े ही वफादार होने के साथ साथ काफी समझदार भी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ कुत्ते ही समझदार होते हैं ऐसा कहना गलत है। वो इसलिए क्योंकि समझदारी के पड़ाव में ये बकरी ने भी अपनी बाजी मार ली। इसे इस केज में बंद किया गया था,
जिस कारण इस बकरी ने अपने दिमाग के इंजन को दौड़ाया और केज के दरवाजे पर लगाए लॉक को हटाकर खुद ही दरवाजा खोल दिया और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी वहां से बाहर निकाला। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। गाइस, आपने पिग यानी सुअरों को तो देखा ही होगा, जिन्हें बस अपने खाने से और कीचड़ में नहाने से मतलब होता है, और ये किसी से पंगे भी नहीं लेते, जो बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, ये आप इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें ये पिग्गी भाई इस बकरी से हाथापाई करने में लगा है। वैसे शुरुआत में ये शांति बैठा था, लेकिन बाद में बकरी ने बेचारे सुअर दादा को उंगली करी और सुअर चार्ज हो गया, जिसने बकरी को हेडशॉट पे हेडशॉट देकर उसे वहां से भगा दिया। जो कह रहा होगा, खाली फोकट मुझसे पंगे मत ले, वरना धो डालूंगा तेरे को। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? साले कुत्ते! दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो पिग्गी दादा और गुस्सा हो जाएंगे। भाई, कहते हैं हम इंसान बंदरों से इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और उसका एक और सबूत हमें इस क्लिप में देखने को मिला, जिसमें यह बंदर पड़ी हुई बोतल से पानी पी रहा था कि तभी वहां दूसरे बंदर बड़े स्वैग से प्रकट हुआ और उसने बोतल को उठाकर डायरेक्ट अपने मुंह से लगा दिया। जो कह रहा होगा, तुझे कुछ नहीं आता, रुक, ये काम करने में मैं एक्सपर्ट हूं। गाइज, आजकल लोग फेमस होने के लिए जानवरों के साथ भी अलग अलग तरह के प्रैंक करते हैं, जिस कारण एक तो जानवर खुश हो जाते हैं या फिर बेचारे डर जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बेजुबान जानवरों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि यहाँ इस जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे थे और ये कुत्ता उन पटाखों की आवाज से डर रहा था, जिस वजह से उसके बगल में खड़ी ये बच्चे कुत्ते के कानों पर अपना हाथ रखती है ताकि बेचारा कुत्ता पटाखे की आवाज से डरकर वहां से कहीं भाग न जाए। वैसे देखा जाए तो ऐसे मोमेंट देखने में काफी कम ही मिलते हैं, जिस वजह से लोगों ने भी इस बच्चे से कुछ सीखना ही चाहिए। अब जरा इन बेबी ऑस्ट्रिचेस को भी देख लीजिए, जिन्हें पता नहीं किस महाशय ने डायपर पहना दिए, जिसके बाद ये भी बड़े मजे से सभी जगह टहल रहे थे। वैसे ये नजारा देखकर लगता है कि ये बेबी ऑस्ट्रिचेस की गैंग हर जगह अपनी पोटी की बौछार करती होंगी, शायद उसी वजह से इनके ओनर ने इनके साथ ये कांड कर दिया। पहनो मैनिफोको पैंट्स, इसका क्रिस्प रोशनी सुसु को इक्वली स्प्रेड करे, ना हेवीनेस ना गीलापन, मैनिफोको पैंट। कुछ जानवर अपने आप को जरा ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, जिस वजह से बाद में उनका ही पोपट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये बफेलो इस बेचारे हाथी के बच्चे पर अपना रौब झाड़ रही थी, जिस वजह से वो बेबी एलिफेंट भी डर गया और बाद में उसने अपने बड़े साथियों को बुलाया, जिन्होंने मिलकर उस बफेलो को वहां से भगा दिया। बेचारी बफेलो अब कह रही होगी, अरे मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, तुम सब तो सीरियस हो गए। चले चल, 1, 2, 4, चल निकल यहाँ से, चल चल बुलाना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाना, चल यहाँ से निकल। A few moments later. मेरे बॉय पर हाथ उठाया तूने? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 58 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 58। बिल्लियां बड़े ही मजेदार होती हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ अतरंगी कांड करते हुए हमें नजर आती है। उन्हीं में से इन दो बिल्लियों पर एक नजर मार लीजिए, जो बाजू बाजू के घर में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलने के लिए कितनी उत्सुक है, जो बालकनी चढ़कर एक दूसरे को चुम्मियां ले रही है। जहर पीना फिर भी मिलके ना होंगे जुदा, कैसी है? दोस्तों, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, फिर वो चाहे किसी इंसान के हो या फिर किसी जानवर के। जिस तरह बच्चे टॉयज के साथ खेलते हैं, उस तरह जानवरों के बेबी भी इस तरह के टॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि यहाँ ये बेबी चिंपैंजी इस खिलौने के साथ खेल रहा है, और जैसे ही इस लड़की ने खिलौने को उसके हाथ से लेने की कोशिश करी, तभी उस खिलौने को उसे हाथ में नहीं लगाने दे रहा, जो कह रहा होगा, ये मेरा खिलौना है, चल फुट यहाँ से। हाथ नहीं लगाने का, हाथ लगाया काट दूंगा हाथ। जैसे कि हमने अभी अभी आपको कहा कि बिल्लियां हमेशा से ही कुछ न कुछ कांड करती रहती हैं, तो चलिए इनके एक और कांड पर नजर मार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिल्ली बड़े अच्छे से तैयार होकर मोबाइल में कार्टून देखने में बिजी है, जिसके बाद उसके ओनर ने अपना फोन बिल्ली से वापस लेना चाहा, लेकिन ये भड़क गई और फोन रिटर्न करने का नाम ही नहीं ले रही।
पापी, छोड़ उसको। छोड़ रहे बाबा, छोड़ रहे, समझता नहीं है। खैर, ये देखकर लगता है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते करते ये जानवर भी बड़े स्मार्ट बन रहे हैं। क्यों, सही कहा ना? आमतौर पर हम जानवरों को दिन में या फिर रात में वॉकिंग के लिए ले जाते हैं, लेकिन एक सेकेंड यहाँ एक कुत्ता भाई नींद में ही वॉकिंग पे चला गया, जो शायद पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा कर ही रुकेगा। गाइज, आपने अभी तक कुत्ते या फिर बिल्लियों का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी मुर्गे का जन्मदिन होते देखा है? जाहिर सी बात है, आप ना ही कहेंगे, तो चलिए ये भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ इस घर में किसी इंसान का नहीं बल्कि इस मुर्गे का बर्थडे मनाया जा रहा है, जिसके लिए सजावट भी ऐसी करी है मानो किसी छोटे बच्चे का बर्थडे है। वैसे आपके पास भी अगर कोई पेट है तो क्या आप उसका बर्थडे करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप कुन में से कौन से जानवर की क्लिप सबसे फनी और मजेदार लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी तो इसे एक लाइक भी कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।